दोस्तों, फिर से मैं पनौद नाले पे और सामने एक कॉल भी चल रही है। तो सांबा डियर खड़े हैं, हिरन खड़े हैं। पर अभी अलर्ट के मूड में नहीं है वो। देखिए दोस्तों, अब बादल भी छा गए और तेज़ हवाएं चल रही हैं। हो सकता है कि रात तक ये फिर बरस सकता है। ये पनौद नाला का पानी है, बहुत कम हो गया अभी 3-4 दिन के अंदर ही अंदर, क्योंकि धूप पड़ी थी 1-2 दिन काफ़ी तेज। सामने बुआ जी का घर है, ये पुराना वाला, वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, शायद आपने अवस्थी जी के ब्लॉग में भी देखा होगा कि मधुमक्खी का एक बॉक्स लगा हुआ था और उसको फिर कुछ टाइम बाद वो छोड़ देती है मधुमक्खी, और आज वो फिर से आ गई है। उसकी आवाज़ सुनिए, ये देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक मक्खियाँ आ रही हैं। अगर मैं ज़्यादा पास जाऊँगा ये सारी की सारी मेरे पे टूट पड़ेंगी, तो इसलिए मैं काफ़ी दूर हूँ। देखिए दोस्तों, ये लगा हुआ है बॉक्स, और बॉक्स से थोड़ा बहुत बाहर भी आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे होल रहा ना। अभी अभी इन्होंने घर बना दिया, अभी कम से कम 3 महीने के बाद, जब काली रात होती है जब, उस टाइम पे इसको निकाल सकते हैं, उस टाइम पे शहद मिल जाता है। अगर चांदनी रात में अगर इसको निकालते हैं तो फिर ये बच्चे पैदा कर देते हैं, तो पूरा वो पीला हो जाता है, अंडे बन जाते हैं उसमें उसके। अब ये सारे अंदर चले गए, देखिए चलिए थोड़ी देर इधर पेड़ पे चढ़ के देखते हैं। चढ़ गया दोस्तों मैं ऊपर पेड़ पे, उधर सामने हिरन खड़े हैं रोज की तरह। बैठे हुए भी हैं कई और कई खड़े हैं, और इस तरफ को सांबर खड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले कॉल कर रहे थे। अब देखिए हिरन एकदम अलर्ट हो गए हैं, इधर हिरन खड़े हैं, सांबर इधर खड़ा है, और इनकी नज़र इस तरफ को है। सांबर को कुछ तो महसूस हुआ है, लेकिन अभी भी वो अपनी नज़र झाड़ियों में ही बनाए हुआ है। अब अगर कुछ मूवमेंट होती है तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, मोर भी यहाँ पे, सांबर डियर भी और हिरन भी। मोर यहाँ पे दो हैं, एक तो इस तरफ नीचे, एक तो यहाँ पर है।
और एक उस तरफ को है हिरन के जस्ट सामने। सांप बढ़िया रहे भी वैसे ही खड़ा है, देखो कुछ तो महसूस है उसको। थोड़ी देर वेट करते हैं यार, और अभी उधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं सामने। एक हिरन इस तरफ को भी आ गया है, अब पनोद नाले से नीचे को और भी कई सारे हिरन आने लगे हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अब बारिश आ गई है तो मैं कुछ लाया भी नहीं हूँ, भीग जाऊँगा वरना। निकलता हूँ यहाँ से। गुड इवनिंग दोस्तों, आपसे एक बात मुझे शेयर करनी थी जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि जो बंटी के वहाँ पे हमारे गांव में बच्चे हैं, तो जब से मैंने वो बच्चे देखे हैं, मिला हूँ उनसे, तो तब से मुझे 3 दिन कंटिन्यूस एक ही सपना आ रहा है कि मुझे सपने में बंटी दिखाई दे रहा है, और बंटी मुझे बता रहा है कि मुझे कोई एक आदमी लेके गया है, वो भी 4-व्हीलर पे और ओपन गाड़ी है वो, और वो ये बोल रहा है कि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। और जहाँ पे बंटी है वहाँ पे एक पेड़ है, सूखा पेड़ है, और वहाँ पे 2 गेट हैं, एक गेट 7 नंबर लिखा है और एक गेट पे 3 नंबर लिखा हुआ है, और वो लोकेशन सिटी वाला लोकेशन है। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी अगर बंटी अगर दिखाई देता है तो प्लीज़ उसको हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। और हमारी शॉप तो सिर्फ बंटी की ही बदौलत है कि जो पहचान मिली है ये बंटी से ही मिली है, और वो एक डॉग ही नहीं है, वो हम लोगों का फैमिली मेंबर है। जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल भी बंटी ही सबसे फ्रंट बंटी है, तभी हमारा यूट्यूब चला है, तो उसको हम बिल्कुल नहीं भुला पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है उसको भुलाना, और वो भुलाने वाला, भुलाने लायक भी नहीं है वो, उसमें बिल्कुल इंसानों के जैसे गुण हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको कहीं बंटी मिलता है तो प्लीज़ उसको हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। मेरे ब्लॉग ना आने के कारण भी यही है कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी उसको लेके गया है वो ये सोच के लेके गया है कि ये टाइगर है, टाइगर क्रॉस ब्रीड है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो हमने लैपर्ड से बचाने के लिए ही उस पर ब्लैक धारियाँ बनाई थी, तो वो ब्लैक मेहंदी से उसको इस तरीके से बनाया गया था। ये सपना सच है या क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन 3 दिन से कंटिन्यूस मुझे यही सपना बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो अगर कोई भी सब्सक्राइबर को अगर बंटी कहीं दिखता है तो प्लीज़ बताएं, उनका ये एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि उसको यहाँ की याद आ रही है, पल पल की याद आ रही है, मुझे पता है, क्योंकि उसको इतना प्यार मिलता था, बार बार वरुण स्कूल से आता था
तो एकदम से वरुण के पास जाता था। जब सुबह वरुण को स्कूल छोड़ने जाते थे तो स्कूटी के पीछे आगे दीपू की शॉप तक वो भागता था। कभी वरुण को डांटते थे तो बीच में सपोर्ट देता था वरुण को। पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। व्हाट कहाँ रेसिंग ट्रक? फोन में है। कहाँ पे? नो नो नो।